राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस सप्ताह की शुरुआत में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक के औपचारिक सत्र की अध्यक्षता की। साथ ही उन्होंने विज्ञान भवन में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार भी प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने सप्ताह के अंत में हैदराबाद हाउस में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में अर्जेंटीना गणराज्य के रक्षा मंत्री जॉर्ज एंड्रिक तायना के साथ दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत करने को लेकर ऑस्ट्रेलियाई कौशल और प्रशिक्षण मंत्री ब्रेंडन ओ'कॉनर से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के जमाकर्ता अपने दावे प्रस्तुत कर सकेंगे।